हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ईवे बिल कब आपको बनाना ज़रूरी होता है, कौन कौन से लेन देन के लिए, एक्टिविटी के लिए ईवे बिल बनाना ज़रूरी हो जाता है। इसके बाद ईवे बिल बनाते समय आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट पड़ती है, ज़रूरत पड़ती है। इसके बाद फोर्थ पॉइंट पे ये है जो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि ईवे बिल बनाते समय कौन कौन से ट्रांजेक्शन्स टाइप होते हैं जो कि आपको कन्फ्यूज़ करते हैं। तो सारी बातों का एंसर आपको मिलने वाला है। सबसे पहला तो ये है कि ईवे बिल कब आपको बनाना पड़ता है। तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि जब भी आप गुड्स को एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसपोर्ट कराते हो, चाहे आप इंट्रा स्टेट करो चाहे इंटर स्टेट करो, यदि आपके गुड्स की यानी कि जो आप गुड्स ट्रांसपोर्ट कर रहे हो उसकी टोटल वैल्यू यदि 50,000 के ऊपर यदि एक्सीड करती है, ज़्यादा हो जाती है, तो आपको ईवे बिल जो है ज़रूरी मैंडेटरीली जनरेट करना पड़ता है। अब यहाँ पे ये जो 50,000 रुपये की जो वैल्यू है, या तो सिंगल इनवाइस की वैल्यू हो सकती है, या फिर आपने थोड़े थोड़े करके कई सारे इन्वाइसेस, कभी कोई 1,000 के, कोई 5,000 के, कोई 10,000 के, ऐसे करके आपने 10-15 इन्वाइसेस आपने काटे हुए हैं और वो गुड्स जो है आपकी ट्रांसपोर्ट होने जा रही है किसी भी पर्टिकुलर कोई भी कैरियर में, गुड्स कैरियर में वो जा रही है, ठीक है। तो यहां पर भी क्या होता है, चाहे मल्टीपल इनवॉइसेस हो चाहे सिंगल इनवॉइसेस हो, यदि गुड्स की वैल्यू 50,000 के ऊपर क्रॉस करेगी तो आपको ईवे बिल जनरेट करना जरूरी होगा। ये जो 50,000 की लिमिट है, ये किसी किसी स्टेट में जैसे पंजाब हो गया, बिहार हो गया, उसके बाद दिल्ली हो गया, इन सब स्टेट्स में 1,00,000 रुपए की लिमिट रखी गई है। अब यहां पे है कि यदि कोई भी प्रिंसिपल जॉब वर्कर को जॉब वर्क पर्पस के लिए यदि गुड्स को सेंड कर रहा है, तो ऐसे केस में यदि इंटर स्टेट यदि ट्रांसपोर्टेशन होगा गुड्स का, तो 50,000 रुपये की जो लिमिट है वो एप्लीकेबल नहीं होगी। इसके बाद यदि कोई भी व्यक्ति जो कि जीएसटी में रजिस्ट्रेशन नहीं लिया है, वो एग्जेम्प्टेड है जीएसटी रजिस्ट्रेशन से, और वो हैंडीक्राफ्ट गुड्स को इंटर स्टेट ट्रांसपोर्ट करा रहा है, तो ऐसे केस में उसे ईवे बिल जनरेट करना ज़रूरी हो जाता है। अब बात करते हैं कि कौन कौन सी ट्रांजेक्शन्स या एक्टिविटी ईवे बिल जनरेट करने के लिए ज़रूरी होती है। सबसे पहला ये सप्लाई। अब सप्लाई जो है, सप्लाई का मतलब ही यही होता है कि जीएसटी लॉ में जो है सप्लाई कम मानी जाती है। जब कोई भी व्यक्ति जो है किसी व्यक्ति को जब गुड्स की सप्लाई करता है, उसके बदले में कुछ अमाउंट चार्ज करता है और बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए वो क्या करता है, गुड्स को आगे बेचता जाता है, खरीदता जाता है, बेचता जाता है। तो यदि सप्लाई है उसमें सेल वैल्यू इंक्लूडेड है, यानी कि वहाँ पेमेंट आपको मिल रहा है तब आप गुड्स दे रहे हो, तो उस केस में आपको ईवे बिल जनरेट करना होता है। दूसरा होता है केस कि अदर देन सप्लाई, मतलब कुछ केसेस ऐसे होते हैं जैसे कि मान लीजिए परचेस रिटर्न हो गया, सेल्स रिटर्न हो गया, ब्रांच ट्रांसफ़र, स्टॉक ट्रांसफ़र, जॉब वर्क, सेल ऑन अप्रूवल बेसिस, ऐसे कई सारे केसेस होते हैं जिसमें कि एक्चुअल में सप्लाई नहीं होती, मतलब वहाँ पे कोई भी कंसीडरेशन या कोई सेल वैल्यू इन्वॉल्व नहीं होता है, तो ऐसे केस में अदर देन सप्लाई के केस में भी ईवे बिल जनरेट करना पड़ता है। इसके बाद यदि कोई अनरजिस्टर्ड पर्सन है, वो किसी रजिस्टर्ड पर्सन को यदि गुड्स की सप्लाई कर रहा है, तो ऐसे केस में जो अनरजिस्टर्ड पर्सन वो ईवे बिल जनरेट तो नहीं कर पाएगा, तो वहाँ पर फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, जो पर्सन, जो रेसिपियंट है, जो गुड्स को परचेस कर रहा है, जो बायर है, वो क्या करेगा, ईवे बिल जनरेट करेगा। ईवे बिल जनरेट करते समय ट्रांजेक्शन टाइप काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन पैदा करता है। जो लोग ईवे बिल जनरेट करते हैं, चाहे वो सप्लायर हो चाहे रेसिपिएंट हो, समझ में नहीं आता है कि कौन सा ट्रांजेक्शन टाइप हम सेलेक्ट करें। तो यहाँ पे देखिए, चार तरीके के ट्रांजेक्शन टाइप आपको ईवे बिल पोर्टल पे मिलते हैं। जैसे सबसे पहला होता है रेगुलर। अब रेगुलर क्या होता है, जैसे मान लो यहाँ पे ए और बी दो पर्सन है, यहाँ पे ए जो है सप्लायर है और बी जो है बायर है। अब यहाँ पे रेगुलर के केस में क्या होगा, यदि ए अपने प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस से कोई भी गुड्स यदि ट्रांसपोर्ट करता है बी के प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस पे, तो ये जो सप्लाई होगी, ये जो ट्रांजेक्शन टाइप होगी, वो रेगुलर के केस में आएगी। इसके बाद बिल फ्रॉम डिस्पैच फ्रॉम का केस समझ लेते हैं। अब यहाँ पे जो ए जो सप्लायर है, उसका हो सकता है कोई प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस हो, उसके बाद एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस भी हो, जैसे कि उसका कोई वेयर हाउस हो सकता है, गोडाउन हो सकता है, कोई ब्रांच हो सकती है, ठीक है। इसके बाद कोई थर्ड पार्टी का भी प्लेस ऑफ बिजनेस हो सकता है। तो बिल फ्रॉम डिस्पैच फ्रॉम
यदि ए सेलेक्ट करेगा ईवे बिल जनरेट करने के लिए, तो बिल फ्रॉम में उसका जो प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस का जो डिटेल है वो आ जाएगा, लेकिन डिस्पैच फ्रॉम में क्या होगा, उसको जो है इसमें से कोई भी एक एड्रेस वहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। यदि वो अपने मेन ऑफिस से कराएगा तब तो रेगुलर में चला जाएगा, लेकिन यहाँ पे ये जो दोनों केसेस हैं, यदि कोई एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस होगा तो उसका एड्रेस उससे मेंशन करना होगा। यदि किसी थर्ड पार्टी से यदि वो गुड्स को सेंड करवा रहा है, ट्रांसपोर्ट करवा रहा है बी के पास, तो वहाँ पे फिर उसको थर्ड पार्टी का एड्रेस देना पड़ेगा। अब यहाँ पे क्या होगा कि जो बी है, बी का प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस हो सकता है, मतलब बी जिस एड्रेस पे माल मंगा रहा है उसका वो प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, उसका कोई भी अदर ब्रांच नहीं, कोई वेयर हाउस नहीं है, कोई भी उसका एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है, तब जाकर के बिल फ्रॉम डिस्पैच फ्रॉम यहाँ पे एप्लीकेबल होगा। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे होता है बिल टू शिप टू का मॉडल, ये काफी इंपॉर्टेंट होता है। अब यहाँ पे देखिए तीन पार्टियां जो है इसमें शामिल होती हैं, तो यहाँ पे ए जो है बायर है और बी जो है सेलर है, ठीक है, और वहीं पे एक पार्टी यहाँ पे सी भी है जिसके बारे में अभी हम थोड़ी देर में बात करेंगे। अब यहाँ पे ए को किसी मान लीजिए गुड्स की ज़रूरत है, कोई प्रोडक्ट की ज़रूरत है, तो ए ने यहाँ पर क्या किया, बी को जो है परचेस ऑर्डर प्लेस किया, लेकिन साथ में उसने एक इंस्ट्रक्शन दिया, एक ऑर्डर दिया कि भाई आप जो है मेरे प्लेस ऑफ बिजनेस पे गुड्स को आप डिलीवर ना करके आप यहाँ पे सी के प्लेस ऑफ बिजनेस पे आप डिलीवर करेंगे। अब यहाँ पे जो सी है ये कोई बी, यहाँ पे ए का कोई एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस हो सकता है, ए का हो सकता है कोई वेयर हाउस हो, ए का हो सकता है कोई गोडाउन हो, जहाँ पर कि वो बी को बोल रहा है कि आप गुड्स को आप मेरे एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस पे डिलीवर करा दीजिएगा, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे यदि कोई एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं भी है और सी जो है कोई थर्ड पार्टी हो सकता है, मान लीजिए कि सी का ए के साथ में कोई लिंक हो गया, बिजनेस ट्रांजैक्शन होगा, कोई बिजनेस डीलिंग होगी, अब यहाँ पे सी जो है कुछ सामान ए से ख़रीदना चाहता होगा, तो यहाँ पे ए जो है डायरेक्टली सी को नहीं भेजेगा, वो बी को ही इंस्ट्रक्शन दे देगा कि भाई आप क्या करिए, आप जो सी है यानी कि थर्ड पार्टी है उसके प्लेस ऑफ बिजनेस पे आप गुड्स को डिलीवर कर दीजिए। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि जब बी ईवे बिल को जनरेट करेगा तो उस केस में उसको बिल टू शिप टू ट्रांजैक्शन टाइप सेलेक्ट करना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखिए दो इनवाइसेज इसमें कटेगी, सबसे पहले तो बी जो है ए को इनवाइस इशू करेगा और यहाँ पे जो है ए जो है सी को इनवाइस इशू करेगा यदि कोई थर्ड पार्टी को उसने डिलीवरी कराई है तो। लेकिन क्वेश्चन ये होता है कि यहाँ पे जो है ईवे बिल कितने बनेंगे, तो यहाँ पे देखिए ए और बी दोनों में से कोई एक व्यक्ति ईवे बिल जनरेट कर सकता है। यहाँ पे यदि बी करेगा तो बिल टू शिप टू में करेगा, यदि ए करेगा तो बिल फ्रॉम डिस्पैच फ्रॉम में वो क्या करेगा ईवे बिल को जनरेट कर सकता है। अब यहाँ पे जो लास्ट जो ट्रांजेक्शन टाइप होता है वो होता है कम्बो टू एंड थ्री का, मतलब इसमें बिल फ्रॉम डिस्पैच फ्रॉम और बिल टू शिप टू ये दोनों ही इसमें शामिल होते हैं। तो यहाँ पे देखिए चार पार्टियाँ बेसिकली होती हैं। अब यहाँ पे जैसे मैंने बताया ए ने बी को ऑर्डर प्लेस किया कि भाई आप जो है गुड्स को डिलीवर कर दीजिए सी को, अब सी कोई भी थर्ड पार्टी हो सकती है, ठीक है। अब यहाँ पे जो है बी यहाँ पे जो व्यक्ति है वो अपने प्लेस ऑफ बिजनेस से गुड्स को डिलीवरी ना करा करके उसने डी को ऑर्डर प्लेस कर दिया कि भाई ऐसा है कि आप जो गुड्स हमें भेज रहे थे वो आप हमें ना भेजिए बल्कि आप सी को क्या करिए डिलीवर कर दीजिए। तो यहाँ पे क्या हो गया, एक बिल फ्रॉम डिस्पैच फ्रॉम भी आ रहा है और बिल टू शिप टू भी आ रहा है। अब यहाँ पे देख लीजिए आप ये जो बी है, यदि मान लीजिए बी यहाँ पे गुड ईवे बिल जनरेट करने के लिए जाएगा तो बिल फ्रॉम और डिस्पैच फ्रॉम, डिस्पैच फ्रॉम में तो वो डी का एड्रेस यहाँ पे मेंशन करेगा और बिल टू में यहाँ पे ए आ जाएगा और उसके बाद शिप टू में यहाँ पे सी का एड्रेस यहाँ पे आ जाएगा। तो यहां भी आप ये ध्यान दीजिए कि यहां भी देखिए इनवाइसेस जो है दो इनवाइसेस यहां पे जनरेट होगी, इनमें तीन इनवाइसेस जनरेट होंगी क्योंकि यहां पे बी भी है और उसके बाद ए और सी का भी लिंक है, इसके बाद बी और डी का भी लिंक है, ठीक है। तो तीन इनवाइसेस जनरेट होगी, लेकिन यहां पे ईवे बिल भी इस ऐसे केस में केवल एक ही जनरेट होगा। चाहे तो यहां पे बी जो है एक इनवाइसेस जनरेट कर दे, ईवे बिल जनरेट कर दे, या फिर यहां पे ए जो है एक ईवे बिल जनरेट कर दे। ईवे बिल जनरेट करने के लिए आपको ईवे बिल पोर्टल पे अपना लॉगिन कर लेना है और यहाँ पे आपको ईवे बिल वाले सेक्शन में आना है, जनरेट न्यू पे आपको क्लिक करना है। जो भी ट्रांजैक्शन टाइप हमने डिस्कस करे हम सप्लायर के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे चारों ट्रांजैक्शन टाइप को वन बाई वन करके देखेंगे। तो यदि मान लीजिए यहाँ पे हम बी का ही एग्जाम्पल लेते हैं, बी सप्लायर था तो यहाँ पे आउटवर्ड सप्लाई ऑप्शन को यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा और यहाँ पे टैक्स इनवॉइस का ऑप्शन होगा या डिलीवरी चालान का ऑप्शन
हो सकता है या बिल ऑफ सप्लाई का ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे जॉब वर्क यदि आप सेलेक्ट करोगे तो यहाँ डिलीवरी चलान ऑटोमेटिक ले लेगा। तो यहाँ पे हम सप्लाई का मान लीजिए एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे इनवाइस नंबर इंटर करना होता है, डॉक्यूमेंट नंबर ठीक है इंटर करना होता है। यहाँ पे ट्रांजेक्शन टाइप में ये देख सकते हो आप कि यहाँ पे चार टाइप्स आपको दिखते हैं। तो सबसे पहले तो रेगुलर पे हम सेलेक्ट करेंगे, तो यहाँ पे बिल फॉर्म में जिस व्यक्ति जो यहाँ पे मान लीजिए बी है, बी की डिटेल्स यहाँ पे आ जाएगी, और डिस्पैच फॉर्म में बी का जो प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस होगा वो डिटेल्स यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पे जिस बंदे को आप गुड्स की सप्लाई कर रहे हो, जिसको आप गुड्स को ट्रांसपोर्ट कर रहे हो, उसका आपको यहाँ पे जीएसटी नंबर इंटर करना है। यहाँ पे उसका नाम आ जाएगा, उसकी डिटेल्स यहाँ पे आ जाएगी, यानी कि उसका प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस यहाँ पे आ जाएगा। यदि आप यहाँ पे बिल टू शिप टू यदि करते हो, तो यहाँ पे जैसे मैंने बताया कि ए ने बी को इंस्ट्रक्शन दे रखा है कि सी को जो है गुड्स डिलीवर किया जाए, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला जो सेक्शन है इसमें तो ए बी की ही पूरी डिटेल्स यहाँ पे रहेगी, उसका प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस और उसका जो है ये जो मेन एड्रेस है, ठीक है। लेकिन शिप टू में क्या होगा, यहाँ पे सी का एड्रेस यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा बी को, ठीक है। और बिल टू में जो है यहाँ पे ए की ही डिटेल्स आएगी, समझ गए आप। और यहाँ पे आपको बिल फ्रॉम डिस्पैच फ्रॉम का जो केस है इसको भी ध्यान से आप समझिएगा। जैसे यहाँ पे बी जो है सप्लायर है, और मैंने बताया था कि उसका जो डिस्पैच फ्रॉम का जो एड्रेस हो सकता है, या तो कोई उसका एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस हो सकता है या कोई थर्ड पार्टी हो सकती है। तो यहाँ पे डिस्पैच फ्रॉम में उसे अपने एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस का एड्रेस डालना है, यदि वो वहाँ से गुड्स को ट्रांसपोर्ट करा रहा है, या कोई थर्ड पार्टी के लोकेशन से यदि गुड्स को ट्रांसपोर्ट करा रहा है तो थर्ड पार्टी की डिटेल्स यहाँ पे आएगी। बाकी बिल टू में जो बायर है उसकी डिटेल्स और उसका जो क्या बोलते हैं एड्रेस है वो यहाँ पे आ जाएगा, जो प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस वाला एड्रेस होगा वो यहाँ पे आ जाएगा। इसके बाद कम्बो वाले में हम आते हैं, कम्बो टू एंड थ्री में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से आप लोग समझिएगा। जैसे यहाँ पे मान लीजिए कि बी जो है, बी का यहाँ डिटेल्स आएगा, लेकिन डिस्पैच फॉर्म में वही चीज़ है, थर्ड पार्टी की एड्रेस या फिर उसका कोई एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस। जैसे मैंने बताया डी जो था उसका थर्ड पार्टी था, तो उसको उसने इंस्ट्रक्शन दिया था कि भाई गुड्स को आप क्या करिए सी को डिलीवर कर दीजिए, तो यहाँ पे डी का डिटेल्स आएगा, ठीक है, या तो फिर उसका कोई एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस होगा वो आएगा। लेकिन बिल टू में यहाँ पर ध्यान देना है कि यहाँ पे ए की डिटेल्स यहाँ पे आ जाएगी, उसका जीएसटी नंबर, उसका स्टेट। लेकिन शिप टू में यहाँ पे आपको ध्यान देने की जरूरत है, शिप टू में सी की एड्रेस यहां पे आएगी, क्योंकि सी को अल्टीमेटली माल डिलीवर करना है, ठीक है। तो ये चीज आपको कंबो टू एंड थ्री में डिस्पैच फ्रॉम और बिल टू शिप टू दोनों ही देखने को मिलता है, तो आपको बहुत ही केयरफुली ये चीज आपको सेलेक्ट करके फिलअप करना पड़ेगा। बाकी के जो प्रोसेस है आप सभी को पता है, यहां पे प्रोडक्ट की डिटेल्स आ जाती है और यहां पे ट्रांसपोर्टर आईडी वगैरह और किसके थ्रू गुड्स ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है, रोड के थ्रू उसका व्हीकल नंबर, डॉक्यूमेंट नंबर एंड डेट, रेगुलर, सबमिट पे क्लिक करेंगे आपका ईबे बिल जनरेट हो जाएगा। मैंने इसके जितने भी ट्रांजेक्शन टाइप हैं उसके मैंने अलग अलग ट्रांजेक्शन टाइप के लिए एक सेपरेट वीडियो अलग से अवेलेबल है चैनल पे, तो मैं उसका आपको आई बटन पे लिंक दे दूंगा, आप वहां से भी उसको देख सकते हैं, उसको समझ सकते हैं। तो दोस्तों कैसी लगी वीडियो कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।